कई बार सोते वक्त अचानक से पैर की नस चढ़ जाती है, जिसका दर्द अनबियरेबल होता है। जब तक नस ठीक नहीं होती, पैर में तेज दर्द होता है। पैर के अलावा कई बार गर्दन, कंधे, उंगली या हाथ की नस भी चढ़ जाती है। नस पर नस चढ़ने के बाद ठीक से खड़े होना भी मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। ऐसे में समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों होता है, तो आज मैं आपको नस चढ़ने के कारण और उसे ठीक करने का तरीका बताऊंगी। अगर आपकी नस चढ़ जाती है तो इसका सबसे मेन रीजन है फिजिकल वीकनेस। कई बार मसल्स के सिकुड़ने पर भी नस चढ़ने की प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार मसल्स में गांठ बन जाती है, जिससे तेज दर्द होता है। हालांकि ये कोई घबराने वाली सिचुएशन नहीं है, ये कोई बड़ी समस्या भी नहीं है, नस अपने आप ठीक हो जाती है। कई बार दिन में थकान रहने पर भी रात में सोते वक्त नस चढ़ जाती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर नस चढ़ने के लक्षण क्या है। अचानक नस में तेज दर्द होना, घुटने के नीचे वाले हिस्से में खिंचाव होना, गर्दन के आसपास दर्द होना, चलने फिरने में परेशानी होना। तो अब सवाल है कि आखिर नस चढ़ने पर क्या किया जाए। ज्यादा थकान होने पर सोते वक्त पैरों की गर्म तेल से मालिश करें। नस चढ़ने पर उस जगह की बर्फ से सिकाई करें, इससे आपको काफी ज्यादा आराम मिलेगा। तेज दर्द हो तो नमक की पोटली बनाकर गर्म सिकाई करें। नस चढ़ने पर पोस्चर को बदलें और सीधे खड़े हो जाएं। गर्म हल्दी वाली दूध भी पी सकते हैं। कई बार शरीर में विटामिन सी, आयरन और पोटेशियम की मात्रा कम होने पर भी नस चढ़ने की प्रॉब्लम होने लगती है। इसके अलावा शरीर में पानी की कमी होने पर भी या फिर कैल्शियम की कमी से भी नस चढ़ने लगती है। अगर मिनरल्स की कमी हो रही है या फिर आप ज्यादा शराब पीते हैं तो भी नस पर नस चढ़ने लग जाती है। अब आपको बताएंगे कि आखिर नस चढ़ने पर क्या खा सकते हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम ज्यादा रहती है तो खाने में शकरकंद, संतरे का जूस, चुकंदर, आलू, खजूर, दही, टमाटर का सेवन करें। गर्म हल्दी वाला दूध पिए, इससे आपको काफी हद तक आराम मिलेगा। लेकिन अगर ये ज्यादा दिनों तक रहता है तो आप एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें।